हेलो बच्चों, सो वेलकम टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश सर चैनल. सो माई सेल्फ कोमल दंगे पाटिल. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी योर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट चैप्टर फर्स्ट. ओके, सो जैसा मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने शायद पढ़ाई नहीं की होगी अभी तक इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो कोई टेंशन नहीं है. आपको बस ये लेक्चर और आपको बस ये वो डिवोशन दिखाना है फॉर अंडरस्टैंडिंग योर टॉपिक्स जो आपके सामने अभी मैंने लिखे हैं और दी टॉपिक्स विच आर डिस्प्लेड इन फ्रंट ऑफ यू, राइट. सो यू हैव टू जस्ट गिव यूर 100% और जस्ट सुनो इस लेक्चर को ध्यान से. देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू राइट द आंसर्स टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कौन से सवाल आपको एग्जाम में आने वाले हैं और उसके आंसर्स कैसे लिखने हैं. तो उसके लिए आपको ये सब पॉइंट समझने पड़ेंगे पहले, राइट. सो आपका फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स का, दैट इज़ नथिंग बट योर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, राइट. सो ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, राइट. तो पहला पॉइंट क्या है, व्हाट इज CRT, और फर्स्ट पॉइंट इज नथिंग बट योर कैथोड रे ट्यूब, दैट इज योर CRT. नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, राइट. देन नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, फंक्शन जनरेटर. देन लास्ट पॉइंट मैंने क्या मेंशन किया है यहाँ पे, डिजिटल मल्टीमीटर. तो ये सारे पॉइंट मैंने खुद के मन से तो नहीं लिखे, राइट. सो ये पॉइंट है आपके सिलेबस के चैप्टर नंबर फर्स्ट के. तो बहुत सारे बच्चों को ये डर होता है कि अब ये कैसे पढ़ना है, ये तो पूरा थ्योरी है, इसमें तो बहुत सारे ब्लॉक डायग्राम है और बहुत सारे सर्किट डायग्राम है, तो कैसे निकालेंगे और कैसे ध्यान में रखेंगे. तो कोई टेंशन नहीं है, आपको बस ये लेक्चर ध्यान से सुनना है और याद में रखना है, राइट. और आप ये लेक्चर सुनने के बाद खुद के मन से भी लिख सकते हैं कि एग्जैक्टली ये डिजिटल मल्टीमीटर कैसे वर्क करता है और इसके कौन से सवाल आपको एग्जाम में आने वाले हैं, कैसे सबको याद रखना है, इन सिमिलर वे, राइट. सो सबसे पहले शायद आपको एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा है कि ये CRT मैंने सबसे पहले पॉइंट क्यों रखा है, बिकॉज आपने अगर आपका सिलेबस देखा है तो उसमें ये 3 ही जो है इंस्ट्रूमेंट वो मेंशन है, दैट इज़ योर CRO, देन योर फंक्शन जनरेटर एंड योर डिजिटल मल्टीमीटर. बट मैंने सबसे पहला पॉइंट मेंशन क्या किया है, दैट इज़ नथिंग बट योर CRT, दैट इज़ योर कैथोड रे ट्यूब. सो सबसे पहले मेंशन किया है, इसका मतलब क्या है कि ये सवाल आपको, और ये जो CRT है उसकी जो कंस्ट्रक्शन डायग्राम है ये बार बार आपके एग्जाम में पूछी गई है. तो ये सबसे पहले आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है कि CRT का कंस्ट्रक्शन आपको 10 बार ड्रॉ करना है, 50 बार ड्रॉ करो, 20 बार ड्रॉ करो, जितनी बार ड्रॉ करना है ड्रॉ करो. बस याद में रखना है कि एग्जैक्टली ये CRT कंस्ट्रक्शन कैसे होता है उसके अंदर, और उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है, वो वर्क कैसे करता है. तो वो सब उसका टेंशन आप मत लो, क्योंकि वो जो वर्किंग है CRT का कंस्ट्रक्शन का वो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में आज पढ़ाने वाली हूँ. बस आपका काम क्या है, बस आपको ये डायग्राम याद में रखनी है, बिकॉज एग्जाम के लिए आपको ये डायग्राम कन्फर्म और बहुत 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 बार पूछी गई है. इफ़ यू जस्ट चेक इन योर बुक और द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, देन मार्च 2003, 5, 7, 10, 12, 14, 15, 19, अक्टूबर 2003, 4, 5, 15, जुलाई 17, इतनी बार ये बहुत सारे बार ये CRT के डायग्राम आपको पूछी गई है और दिस कंस्ट्रक्शन डायग्राम आपको पूछी गई है एग्जाम में, राइट. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस CRT. लेकिन आज जैसे मैंने बोला कि अब आपके मन में और दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा होगा कि एग्जैक्टली ये CRT पढ़ना क्यों है, बिकॉज CRO आपके सिलेबस में है, तो CRT का यूज़ क्या है. तो जैसे मैंने बोला, नॉट ओनली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपको क्या करना है कि CRO जो है उसका वर्किंग और CRO कैसे वर्क करता है, तो उसके पहले आपको CRT अंडरस्टैंड करना है. CRO कुछ भी नहीं है, CRO आपको जस्ट एक मैं फ्रंट पैनल दिखाने वाली हूँ बाद में ये PPT में, तो फ्रंट पैनल देख के आपको पता चलेगा इसमें तो कुछ भी नहीं है, आप बस एक वेवफॉर्म ड्रॉ करने वाले हो, सो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, राइट. लेकिन उससे पहले आपको अगर CRT नहीं आती है, CRT अगर अच्छे से समझ में नहीं आई है और CRT आपने स्किप कर दी है, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द CRO, द फंक्शंस, द ब्लॉक डायग्राम एंड एवरीथिंग, राइट. सो लेट अस स्टार्ट. आपको मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, फॉर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और मे बी आगे आपका जो भी करियर है, मे बी आप इंजीनियरिंग करने वाले हो, सो उसके हिसाब से भी ये जो इंस्ट्रूमेंट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, राइट. अगर इंजीनियरिंग करने भी नहीं वाले हो तो भी आपको ये सब बेसिक बातें पता होनी चाहिए. सो लेट अस स्टार्ट विथ योर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज योर CRT, राइट. सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन डायग्राम ऑफ योर CRT. तो इतनी बड़ी डायग्राम आपके सामने अभी दिख रही है आपको, राइट. बहुत सारे एलिमेंट्स है, बहुत सारे नाम आपके सामने लिखे हैं. सो जैसे मैंने बोला है कि ये डायग्राम की प्रैक्टिस आपको बस करनी है, राइट. आपको ये डायग्राम जितनी बार आपको निकालनी है वो निकालो, बस आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि डायग्राम को कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है, राइट. ये डायग्राम आप अच्छे से निकाल लो तो जो ऑपरेशन है, जो वर्किंग है, वो आपको आज मैं मेरी लैंग्वेज में और वेरी सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाने वाली हूँ, राइट. सो आपको बस अंडरस्टैंडिंग करनी है और जस्ट सुनो मेरी बातें और जो भी मैंने बोला है, और फिर आप खुद के लैंग्वेज में भी ये डायग्राम को बहुत ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हो. लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन के पहले आपको क्या करना है, ये डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करना है, राइट. सो फर्स्ट क्या करने वाले हैं हम, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग पर्पज ये सीआरटी को हम बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, राइट? सो कौन से 4 पार्ट है? सो यू कैन राइट इन योर नोटबुक इफ यू वांट. सो जस्ट चेक आउट हियर. ओके, सो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे जो है वो है इलेक्ट्रॉन गन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन बीम. बेसिकली फर्स्ट पार्ट इज नथिंग बट यूर बीम असेंबली, इलेक्ट्रॉन बीम असेंबली यू कैन कंसिडर, राइट? Your first part is nothing but electron beam assembly, right? Then next part is nothing but this one. This one is nothing but vertical deflection plate and your horizontal deflection plate. This one is nothing but your second part, right? Second part of this CRT. Then third part is nothing but this particular screen. That is fluorescent screen, right? This is nothing but your fluorescent screen. सो फोर्थ पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि अभी तो मैंने स्टार्ट से एंड तो कर दिया, लेकिन फोर्थ वाला पार्ट कौन सा होगा अभी. सो दिस इज नथिंग बट यूर कंप्लीट फोर्थ डिवीजन और द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस सीआरटी. फोर्थ पार्ट में क्या आएगा? ये कंप्लीट वैक्यूम ट्यूब आएगी जो है आपकी सीआरटी. सो सीआरटी कहाँ पे आप यूज़ करने वाले हो, और सीआरटी इससे पहले आपको पता नहीं होगा कि अगर किसी को पता नहीं होगा कि सीआरटी कहाँ पे यूज़ होती है, तो सीआरओ में ओल्ड टीवी जो होते हैं हमारे उसमें भी ये सीआरटी यूज़ करते थे. सो सीआरटी का यूज़ क्या है बेसिकली वो समझ लो, उसके बाद हम ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे और ये डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, राइट? सो ये जो स्क्रीन है, जैसे मैंने बोला कि थर्ड पार्ट इज नथिंग बट आवर फ्लोरोसेंट स्क्रीन. सो ये स्क्रीन के ऊपर क्या करने वाले हैं हम? वेवफॉर्म जो है साइन वेव होगी या फिर ट्रायंगुलर वेव होगी और या फिर आपकी स्क्वायर वेव होगी. सो जो भी वेवफॉर्म्स है और जो भी आउटपुट है वो आपको ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है. सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर सीआरटी, राइट? सो इसका यूज़ क्या है? ये जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है उसके ऊपर आपको बस ये वेवफॉर्म डिस्प्ले करनी है. सो वेवफॉर्म डिस्प्ले करने के लिए आपको सबसे पहले ये स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा. सो जैसे मैंने बोला कि फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस सीआरटी इनटू द 3 पार्ट्स ओनली. ओके, सो पहला पार्ट क्या होगा आपका? इलेक्ट्रॉन गन असेंबली. सेकंड पार्ट क्या होगा आपका डिफ्लेक्शन प्लेट्स, राइट? आपका सेकंड पार्ट क्या होगा? ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स. सो डिफ्लेक्शन प्लेट्स में कौन से पार्ट आ रहे हैं? वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट एंड योर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, ये 2 पार्ट, राइट? देन थर्ड पार्ट इज नथिंग बट योर फ्लोरोसेंट स्क्रीन और फोर्थ पार्ट में इटसेल्फ दिस वैक्यूम ट्यूब. ओके, सो दिस कंप्लीट वैक्यूम ट्यूब वी आर कंसिडरिंग एज योर फोर्थ पार्ट ऑफ योर सीआरटी. सो ये समझ में आया कि एग्जैक्टली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज वी आर डिवाइडिंग दिस सीआरटी इनटू द 4 पार्ट्स, राइट? सो लेट अस स्टार्ट नाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस सीआरटी. एग्जैक्टली ये सीआरटी वर्क कैसे करता है, बस ध्यान से सुनो. आपको ये सीआरटी कुछ भी नहीं ऐसे लगेगा एट द एंड ऑफ द डिस्कशन, राइट? सो दिस इज नथिंग बट द लेफ्ट साइड ऑफ द सीआरटी, राइट? यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है बेस, यहाँ पे लिखा है पिंस ऑफ योर एक्सटर्नल कनेक्शन. सो पिंस ऑफ एक्सटर्नल कनेक्शन यहाँ पे दिख रही है आपको. सो यहाँ से क्या करेंगे हम? एक्सटर्नल वोल्टेज जो है वो अप्लाई करने वाले हैं, राइट? सो एक्सटर्नल वोल्टेज यहाँ से जाएगा. सो जो भी आपका इनपुट है वो जाएगा यहाँ पे. जो फिलामेंट आपको दिख रही है, दिस इज नथिंग बट द फिलामेंट. ये दिख रहा है आपको कंट्रोल ग्रिड. सो कंट्रोल ग्रिड इज नथिंग बट कंसिस्टिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड योर एनोड्स, राइट? यहाँ पे 3 एनोड है, प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, फोकस एनोड एंड योर एक्सेलरेटिंग एनोड एंड दिस पर्टिकुलर कैथोड. सो ये सब मिला के एक पार्ट बन रहा है, दैट इज नथिंग बट योर कंट्रोल ग्रिड. बट वी आर कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट ओनली, दैट इज नथिंग बट योर फिलामेंट. ओके, सो ये फिलामेंट का यूज क्या है अभी और व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस फिलामेंट अंडर योर सीआरटी. सो जैसे मैंने बोला कि फ्रॉम दिस लेफ्ट साइड यहाँ से हम क्या करने वाले हैं? वोल्टेज अप्लाई करने वाले हैं, राइट? सो ये जो वोल्टेज है, सो जितना ज़्यादा वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? प्रोड्यूस होंगे. अगर आपने लेस वोल्टेज प्रोवाइड किया, ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होगा? लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे. ज़्यादा वोल्टेज अगर प्रोवाइड किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे. सो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है कि आपका वोल्टेज रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या है और आप कितने वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं एट दी बेस और दी पिन्स ऑफ योर एक्सटर्नल कनेक्शन, राइट? देन आफ्टर दैट यहाँ पे जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ये पार्ट. सो यहाँ पे क्या करने वाले हैं? ये जो पार्ट है आप ये वोल्टेज अप्लाई करने के बाद हीटअप होने वाला है. सो जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना वो फिलामेंट हीटअप होगा. अगर वोल्टेज कम होगा तो क्या होगा? वो फिलामेंट लेस हीटअप होगा. अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो वो फिलामेंट ज़्यादा हीटअप होगा. सो ज़्यादा हीटअप होगा मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे स्ट्राइक होंगे. कहाँ पे? यहाँ पे जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है यहाँ पे जाके वो स्ट्राइक होंगे. सो यहाँ पे स्ट्राइक होंगे मतलब क्या? हमें एक वेवफॉर्म और हमें एक विजुअलाइज करने के लिए एक इमेज मिलेगी. सो दैट इज़ यूज़ ऑफ आवर सीआरटी, राइट? सो यहाँ पे क्या किया आपने? सबसे पहले कम या मे बी लेस और मोर जो वोल्टेज है वो अप्लाई किया एट दिस बेस स्टेशन, राइट? देन ये जो फिलामेंट है इससे हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट कर रहे हैं, राइट? ये फिलामेंट का यूज़ क्या है? ये हीटअप होने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेगा. सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर कैथोड. कैथोड मीन्स योर नेगेटिव चार्ज, राइट? नेगेटिव चार्ज ऑफ योर इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बस इमिट होने वाले हैं, राइट। देन नेक्स्ट पार्ट इज नथिंग बट योर एक्सेलरेशन, प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, एक्सेलरेटिंग एनोड एंड योर फोकस एनोड, ये भी आ रहा है आपके कंट्रोल ग्रिड के अंडर, राइट। सो कंट्रोल ग्रिड मतलब क्या, एक्सेलरेशन कंट्रोल ग्रिड के अंदर बेसिकली ये दो पार्ट आ रहे हैं, राइट। लेकिन उसके अंदर अगेन एक्सेलरेशन के कंसेप्ट आ रही है। सो एक्सेलरेशन व्हाट, एक्सेलरेशन इन सिंपल लैंग्वेज हमारे डे टू डे लाइफ में हम कैसे कंसिडर करते हैं, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट योर स्पीड, स्पीड हम प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो स्पीड प्रोवाइड किसको करने वाले हैं हम, ये इलेक्ट्रॉन्स को हम स्पीड में भेजने वाले हैं। जैसे कि आप ये इलेक्ट्रॉन्स को स्पीड भेजेंगे, स्पीड से भेजेंगे, उसके हिसाब से आपको ये इमेज इमीडिएटली ऑन यूर CRT स्क्रीन मिलेगी, राइट। सो दैट इज द यूज ऑफ दिस एक्सेलरेटिंग एनोड, राइट। सो प्री एक्सेलरेटिंग एनोड क्या करेगा, सबसे पहला जो पार्ट है एनोड का वो है प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, सेकंड पार्ट जो है वो है फोकस एनोड एंड थर्ड पार्ट इज नथिंग बट योर एक्सेलरेटिंग एनोड, राइट। सो एनोड मतलब योर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड मतलब योर नेगेटिव चार्ज। सो ये ध्यान में रखना, नेगेटिव चार्ज मतलब योर इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू ट्रैवल थ्रू योर बेस ऑफ योर CRT। देन नेक्स्ट प्री एक्सेलरेटिंग एनोड क्या करेगा, वो जो इलेक्ट्रॉन से उसको बस स्पीड अप देगा, उसको स्पीड से वो भेजेगा, लेकिन बीच में एक एनोड है। अब ये तो समझ में आ गया कि प्री एक्सेलरेटिंग और एक्सेलरेटिंग एनोड का यूज़ क्या है, बस टू प्रोवाइड द स्पीड ऑफ योर इलेक्ट्रॉन सो दैट विल जस्ट गो थ्रू दिस CRT इन अ फास्टेस्ट वे एंड दैट विल जस्ट स्ट्राइक ऑन योर फ्लोरोसेंट स्क्रीन एंड यू विल गेट द इमेज। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत स्पीड से यहाँ पे जाएंगे एंड यू विल गेट योर आउटपुट वेवफॉर्म ऑन योर CRT स्क्रीन। सो दैट इज द यूज ऑफ दिस एक्सेलरेटिंग एनोड। देन आपके दिमाग में फिर से एक क्वेश्चन आएगा कि देन व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फोकस एनोड, देन यहाँ पे फोकस एनोड का यूज क्या है। सो जैसे मैंने बोला कि ये जो है फिलामेंट, इससे क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होने वाले हैं और यहाँ से भागने वाले हैं, राइट, बहुत जोर से भागने वाले। जोर से क्यों भागने वाले, बिकॉज जोर से भागने के लिए हमारे पास एक अरेंजमेंट है, दैट इज नथिंग बट योर एक्सेलरेटिंग एनोड एंड योर प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, राइट। सो फोकस एनोड का यूज़ क्या है और क्यों हम यहाँ पे वो कंसिडर कर रहे हैं। सो यहाँ पे कोई कंडीशन है आपके पास कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बस स्ट्रेट ही जाने वाले, ऐसा भी हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन्स उधर जाए, ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, वो इधर उधर भागेंगे, ओके, इधर उधर वो भाग सकते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन्स सीधे सीधे जाके यहाँ पे ये जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है उसके ऊपर स्ट्राइक करने हैं, राइट। सो फॉर दैट पर्पज़, फॉर फोकसिंग, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ वहाँ भागने नहीं चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना है, ये फोकस एनोड जो है उसको कंसिडर करना है। सो दैट इज द यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर फोकस एनोड, राइट। सो एनोड का चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, और कैथोड का चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। सो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, एवरीवन नोज दैट, राइट। सो यहाँ तक समझ में आया आपको, कुछ भी नहीं किया, बस वोल्टेज अप्लाई किया, वो जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होने वाले हीटअप से उसको बस हमने स्पीड प्रोवाइड की है और फोकस एनोड से क्या किया है, उसको बस फोकस किया है, यहाँ वहाँ भागने से हमने वो रेस्ट्रिक्ट किया है उसको। यहाँ तक समझ में आया होगा मुझे ऐसा लगता है, राइट, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। देन नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन और द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर CRT इज नथिंग बट योर वर्टिकल एंड योर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट, राइट। सो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट क्या होता है फिर, सो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट आपको दिख रही है यहाँ पर, दिस वन इज वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट एंड दिस वन इज नथिंग बट योर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट। सो जो इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाले हैं वो सबसे पहले जाएंगे आपके वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट के पास, उसके बाद वो जाने वाले हैं हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट के पास। इसको ध्यान से सुनो बिकॉज ये जो पार्ट है ना, वर्टिकल और योर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट, दैट इज प्लेइंग द मेजर रोल फॉर अंडरस्टैंडिंग दी CRO डिस्प्ले स्क्रीन, बिकॉज CRO के ऊपर आपको XY प्लॉट होता है, राइट। सबको ग्राफ पता है, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, ग्राफ को X एंड Y एक्सिस होता है, फिर अगर कोई भी वेव फॉर्म अपने ड्रॉ की, साइन वेव, ट्रायंगुलर वेव, सो उसके लिए आपको दो एक्सिस चाहिए, X एंड Y एक्सिस। सो इन अ सिमिलर वे दैट इज योर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस वी आर कंसिडरिंग हियर अंडर दिस CRT। CRT के हिसाब से और ऑसिलोस्कोप के हिसाब से आपको कंसिडर करना है कि वहाँ पे वर्टिकल एक्सिस है और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा फिर, वर्टिकल एक्सिस के पास सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स आपके आने वाले हैं, राइट। सो ये जो प्लेट है ना वर्टिकल, ये जो प्लेट है, सो इसका चार्ज मैंने बोला है पॉजिटिव है, राइट, और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या है हमारे पास, नेगेटिव। सो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी कैन ड्रॉ दिस वर्टिकल प्लेट हियर, राइट। सो वर्टिकल प्लेट के यहाँ पे क्या आएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे और सीधा जाके ये जो प्लेट है उसके ऊपर अटैच होंगे, बिकॉज उसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव, राइट। सो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाने वाले हैं, सीधा यहाँ पे जाके ये प्लेट के पास अट्रैक्ट होने वाले, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अगर है तो वो अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे के पास। सो दैट इज द कंसेप्ट, ईच एंड एवरी वन नोज ऑफ यू, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा फिर, इलेक्ट्रॉन्स आके यहाँ पे स्ट्राइक होंगे या फिर नीचे। सो यहाँ पे मूवमेंट कैसी हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की ऊपर नीचे, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पे मूवमेंट कैसी हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की ऊपर या फिर नीचे हो रही है, राइट। सो इलेक्ट्रॉन्स जाके वर्टिकल प्लेट के ऊपर जाएंगे बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है वो प्लेट को अप्लाई किया है हमने, राइट. सो दैट इज़ वाई वी आर सेइंग कि ये जो है वर्टिकल प्लेट, ओके, यहाँ पे जो मूवमेंट है ये ऊपर नीचे हो रहा है, राइट. ये जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर नीचे हो रहा है. सो दैट इज nothing but your y axis, okay, that is nothing but your y axis. So that is why we are calling this particular plate as your vertical deflection plate. CRA के ऊपर आपको बस x and y axis दिखेगा, लेकिन उसका बैक एंड जो है ये है आपका बैक एंड. ये आपको समझ में आना चाहिए सबसे पहले अंडर योर CRT, राइट. देन आफ्टर दैट ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जाएंगे आपके हॉरिजॉन्टल प्लेट के पास. सो हॉरिजॉन्टल प्लेट का मूवमेंट कैसा होगा आपका? लेफ्ट राइट होगा. हॉरिजॉन्टल प्लेट का मूवमेंट कैसा होगा आपका? लेफ्ट एंड राइट होगा. जैसे ये अप एंड डाउन में है उसी तरह आपको हॉरिजॉन्टल का मूवमेंट कैसा होगा? लेफ्ट राइट, ओके, लेफ्ट राइट होगा. मतलब हॉरिजॉन्टली वो मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, राइट, टू दी हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ऑफ योर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स ऑफ दिस CRT. सो सेम वे जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज अगर है आपके प्लेट के पास तो उसके ऊपर जाएंगे, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास जाएंगे. सो इन अ सिमिलर वे हॉरिजॉन्टल प्लेट के पास भी वैसे ही मूवमेंट होगी, लेकिन वो हॉरिजॉन्टली होगी, राइट. सो ऑन योर CRO दैट इज नथिंग बट योर एक्स एक्सिस, राइट. सो ऑन योर CRO दैट इज नथिंग बट योर एक्स एक्सिस. सो आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले, ये मे भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि आपकी जो CRT के इलेक्ट्रॉन्स है वो सबसे पहले स्ट्राइक करने वाले हैं वर्टिकल एक्सिस को, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट को, उसके बाद वो जाने वाले हैं हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट के पास. और ये दोनों मिला दोनों प्लेट्स के वर्किंग के बाद हमें वो एक्स वाई प्लॉट जो है जैसे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, राइट. सो इन अ सिमिलर वे वी आर गोइंग टू गेट दिस एक्स वाई एक्सिस ऑन योर CRO स्क्रीन, ऑन योर CRO डिस्प्ले स्क्रीन. जो भी वेवफॉर्म होगी वो हमें एक्स वाई एक्सिस पे मिलेगी. सो उसका जो बेस है और उसका जो रीज़न है एग्जैक्टली वाई वी आर गेटिंग दैट एक्स एंड वाई एक्सिस वेवफॉर्म ऑन योर CRO स्क्रीन ड्यू टू योर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट, राइट. देन आफ्टर दैट ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो फाइनली आने वाले हैं स्ट्राइक करके ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर, राइट. सो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको दैट इज नथिंग बट योर फॉस्फर स्क्रीन. सो याद में रखो दिस इज नथिंग बट योर फॉस्फर स्क्रीन. मे बी समटाइम्स इन योर एग्जाम इन द फिल इन द ब्लैंक्स ये पूछा गया है कि ये कौन सी स्क्रीन है. सो याद में रखना ये फॉस्फर स्क्रीन है, दिस इज नॉट द फॉस्फरस स्क्रीन, दिस इज योर फॉस्फर स्क्रीन, याद में रखो, राइट. सो ये जो है फॉस्फर स्क्रीन और योर फ्लोरोसेंट स्क्रीन, इसके ऊपर क्या होगा आपकी जो वेवफॉर्म्स है साइन वेव, ट्रायंगुलर वेव, मे बी स्क्वायर वेव, जो भी आपकी आउटपुट वेवफॉर्म्स है वो आपको यहाँ पे दिखने वाली है, राइट. सो दिस इज द यूज और दिस इज द कंस्ट्रक्शन द वर्किंग ऑफ योर CRT. आई होप आपको ये CRT का कंस्ट्रक्शन समझ में आया हो. सो इन ब्रीफ हमने क्या किया है, इसको वोल्टेज अप्लाई किया है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस किए हैं. ये इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए आपके पास कुछ एनोड्स है, एक्सेलरेटिंग, प्री एक्सेलरेटिंग एंड फोकस एनोड. उसके बाद वो एनोड्स वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जा रहे हैं आपके वर्टिकल एंड योर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स के पास और ड्यू टू दैट यू विल गेट योर एक्स वाई एक्सिस ऑन योर CRO एंड देन फाइनली आपके जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो स्ट्राइक करने वाले ऑन योर फ्लोरोसेंट स्क्रीन. सो ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन्स ने स्ट्राइक किया देन यू विल गेट द वेवफॉर्म ऑन दिस पर्टिकुलर स्क्रीन. सो दिस इज द यूज ऑफ दिस CRT. So CRT is the major role that is playing in case of your CRO, that is your cathode ray oscilloscope. So जैसे मैंने बोला है कि सिलेबस में आपको कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है उसकी ब्लॉक डायग्राम भी आने वाली है एग्जाम में, लेकिन उससे पहले आपको ये CRT का कंस्ट्रक्शन, CRT का वर्किंग पता होना चाहिए बिकॉज सीधा सीधा आप ब्लॉक डायग्राम में मेंशन करने वाले हो दिस इज द CRT, राइट, दिस इज द CRT. बट आपको CRT का वर्किंग ही नहीं पता है कि एग्जैक्टली CRT वर्क कैसे करती है, स्टार्ट टू एंड आपको आउटपुट कैसे मिल रहा है ऑन योर CRO स्क्रीन, राइट. देन इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर योर, देन यू विल जस्ट लूज योर इंटरेस्ट. उसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली ये CRO वर्क कैसे कर रहा है, उसके नॉब्स क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस CRT. और उसके बाद वो स्टूडेंट क्या करते हैं, फिर वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं. लेकिन याद में रखो ये जो क्वेश्चन है CRT का बार बार एग्जाम में आ रहा है, राइट. सो अंडरस्टैंड द वर्किंग, आपको ये बस समझना है जो भी हमने अभी डिस्कस किया है और ये जो डायग्राम है आपको बार बार निकालनी है सो दैट आपको ये बाय हार्ट हो जाए, राइट. सो लेट अस मूव फर्दर. So our main point or as per your syllabus, the first instrument, electronic instrument is nothing but your CRO. So CRO का long form क्या है बच्चों? That is nothing but your cathode ray oscilloscope, right? So cathode ray oscilloscope का ये मैंने front panel बस understanding purpose के लिए आपको दिखाया है. ये आपको exam में draw नहीं करना है, हाँ, ये बस एक image है. आपको पता होना चाहिए कि CRO कैसे दिखता है. मे भी आपको आपके प्रैक्टिकल जो भी हुए होंगे आपके कॉलेज में उसमें दिखा होगा ये CRO ऐसे दिखता है, राइट. मे बी थोड़ा न्यू वर्जन होगा और जैसे भी होगा, लेकिन CRO का फ्रंट पैनल ऐसा होता है, राइट. सो दिस इज नथिंग बट द डिस्प्ले स्क्रीन ऑफ योर CRO और यहाँ पे कुछ बटन्स आपको दिख रहे होंगे. सो मे बी आई थिंक इन योर चैप्टर नंबर फर्स्ट. ओके, सीआरओ के कुछ पार्ट्स भी मे बी समटाइम्स आपको पूछे जाएंगे कि व्हाट आर द वेरियस बटन्स और दी फ्रंट पैनल के बारे में अगर पूछा गया तो इन दैट केस ऑल्सो राइट क्वेश्चंस ऐसे तरीके से आएगा कि स्टेट एनी थ्री फ्रंट पैनल कंट्रोल ऑफ योर सीआरओ एंड गिव द यूज ऑफ ईच कंट्रोल राइट. So in that case you have to draw the front panel. Okay, in that case you have to draw the front panel. ऐसे diagram image ने draw करनी है. In that case you have to draw the front panel of your CRO. ये जो है जो हम discuss करने वाले हैं उसका front panel आप draw कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा front panel आप discuss नहीं कर सकते right. जैसे मैंने बोला कि question कैसे आएगा कि state any three front panel controls. तो इसमें ये जो buttons है इसमें से कौन से भी three front panel control आप select कर सकते हैं जो आपको समझ में आए होंगे और that will be easy for you जो आपके पसंद के हो जो आप explain कर सकते हो एग्जाम in a very fastest way right. Write the functions of any six front panel controls of your CRO. ये जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में आ रहा है राइट. ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ये याद में रखना है कि CRT के बाद फ्रंट पैनल अगर पूछा गया है कि कौन से भी थ्री बटन से सिक्स बटन या कंप्लीट फ्रंट पैनल आपको पूछा गया है तो इन दैट केस यू हैव टू ड्रॉ द फ्रंट पैनल. फ्रंट पैनल ड्रॉ कैसे करना है फिर ये जो है डिस्प्ले दैट इज नथिंग बट यूर आउटपुट डिस्प्ले स्क्रीन ऑफ योर CRO राइट. सो उसको कैसे ड्रॉ करना है जैसे आप ग्राफ ड्रॉ करते हो राइट. सो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हो फिर अगर वेवफॉर्म आपको निकालनी है तो ऑन योर ग्राफ पेपर यू हैव टू कंसिडर एक्स एक्सिस यू हैव टू कंसिडर योर वाई एक्सिस. सो ये जो डिस्प्ले स्क्रीन है आप ऐसे निकालेंगे राइट उसके बाद ये नॉब्स कैसे निकालेंगे ये जो नॉब्स है ये ऐसे आपको दिखाएंगे राइट. यहाँ पे तीन नॉब्स है ये होगा आपका होल्ड पर डिवीजन का नॉब होगा, देन योर टाइम पर डिवीजन का नॉब, देन नेक्स्ट वन इज अगेन टाइम पर डिवीजन. आपके दिमाग में फिर आप अभी क्वेश्चन आएगा कि टाइम पर डिवीजन के यहाँ पे दो नॉब्स क्यों मैंने मेंशन किए और दो नॉब्स यहाँ पे क्यों अवेलेबल है राइट. सो अंडरस्टैंड कि यहाँ पे दो चैनल्स है यहाँ पे दिख रहा है आपको दिस इज नथिंग बट योर चैनल वन एंड दिस इज नथिंग बट योर चैनल टू. सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस चैनल वन एंड चैनल टू. आप दोनों भी चैनल यूज कर सकते हैं. सो उसके लिए क्या करना है आपको दो प्रोब्स आपको यहाँ पे चैनल वन और चैनल टू को लगानी है. उसके बाद आप पैरेलली ये चैनल वन चैनल टू मतलब पैरेलली आप ये आउटपुट जो है दो चैनल्स का वो CRO के डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करके आप मेजर करके जो भी रीडिंग्स है वो ले सकते हैं. सो दैट इज द यूज ऑफ दिस चैनल वन एंड चैनल टू. सो उसके लिए उसके कंट्रोल के लिए हमें ये टाइम पर डिवीजन के दो अलग अलग नॉब चाहिए राइट. होल्ड पर डिवीजन का मे भी आपको एक ही नॉब रहेगा राइट. सो रिमेनिंग भी यहाँ पे कुछ बटन है लाइक फोकस बटन एक होगा ओके, ऑन ऑफ बटन होगा. सो दिस इज बेसिकली द फ्रंट व्यू और द फ्रंट एंड ऑफ योर CRO राइट. सो अगर ये क्वेश्चन आता है देन ये मार्क्स आपके बस फ्री वाले मार्क्स है ऐसे कंसिडर करो राइट. आपको बस ये डिस्कस करना है कि फ्रंट व्यू कैसा है और इसमें कौन से बटन है और उसका यूज़ क्या है. इट इज़ वेरी कॉमन ओके. और यू कैन कंसिडर लाइक यूर जैसे मैंने बोला कि डिस्प्ले स्क्रीन इज नथिंग बट यूर ग्राफ पेपर. सो ग्राफ पेपर के बारे में आप कैसे लिखेंगे फिर यहाँ पे ये डिस्प्ले स्क्रीन जो है CRO की यहाँ पे सपोज चार लाइन से तो जनरली ये जो है एक लाइन का जो डिस्टेंस है वो होता है 1 सेंटीमीटर ओके. सो ये 1 सेंटीमीटर अगेन 5 सब डिवीजन में और यहाँ पे 5 लाइन्स होगी ओके. 5 सब डिवीजन लाइन्स होंगी ओके. सो एक लाइन की जो वैल्यू होगी वो होगी फिर 2 mm राइट. सो इन अ सिमिलर वे यू कैन जस्ट डिस्क्राइब द डिस्प्ले स्क्रीन और दिस डिस्प्ले स्क्रीन ऑफ योर ऑसिलोस्कोप ओके. एंड द रिमेनिंग बटन्स ये तो आप बस जैसे हम बात कर रहे हैं अभी वैसे आप वो डिस्कस कर सकते हैं कि होल्ड पर डिवीजन का जो नॉब है उससे आप बस एम्पलीट्यूड एडजस्ट कर सकते हो. टाइम पर डिवीजन का जो नॉब है उससे आप ये टाइम पीरियड और ये फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर सकते हो जो भी आपने वेवफॉर्म सेट की है और जो भी आपने जो आउटपुट लिया है आपके सर्किट से उसको बस एडजस्ट करने के लिए आपको एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी और मे बी एम्पलीट्यूड और योर टाइम लगेगा दैट इज योर वोल्टेज एंड टाइम. सो एडजस्ट करने के लिए आपको होल्ड पर डिवीजन एंड योर टाइम पर डिवीजन के जो नॉब्स अवेलेबल है ऑन योर CRO फ्रंट पैनल उसको यूज करना पड़ेगा राइट. चैनल वन एंड चैनल टू नॉब क्या है फिर चैनल वन एंड चैनल टू आप पैरेलल यूज कर सकते हैं. सो दो आपको वेवफॉर्म आपके CRO स्क्रीन के ऊपर मिलेगी. अगर आपको ओनली वन चैनल यूज करना है तो ऑब्वियसली यू विल गेट ओनली वन वेवफॉर्म ऑन योर CRO डिस्प्ले स्क्रीन राइट. सो रिमेनिंग जो बटन्स है उसका यूज़ क्या है फिर वो जो है ऑन ऑफ बटन है मे बी आपको ट्रिगरिंग बटन होगा वहाँ पे ओके. सो वी विल डिस्कस एग्जैक्टली वो ट्रिगरिंग बटन एंड एग्जैक्टली वो ट्रिगर का बेसिकली यूज़ क्या है ओके. दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अंडर योर ब्लॉक डायग्राम ऑफ योर CRO ओके. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम ऑन योर फ्रंट पैनल ओके लेट अस मूव अहेड एंड वी आर गोइंग टू जम्प ऑन योर ब्लॉक डायग्राम ऑफ योर CRO. सो आई होप ये समझ में आया होगा आपको. Okay, so this is the block diagram of your CRO. I hope this diagram is very easy to understand to all the students. आपको सबसे पहले दिमाग में और सबसे पहले शायद सब लोगों को ये सीआरटी दिखी होगी, क्योंकि सीआरटी अभी हमने पढ़ी है, राइट। सो ये सीआरटी बस आपको निकालनी है, यहाँ पे डिटेल में नहीं निकालनी है। अगर आपको क्वेश्चन आता है और ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है कि जस्ट ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ योर सीआरओ एंड एक्सप्लेन इन डिटेल, ओके। सो इन दैट केस आपको ये ब्लॉक डायग्राम जो है ड्रॉ करनी है और ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे जो मैंने लिखे है उसको वन बाय वन बस एक्सप्लेन करना है। ये ब्लॉक डायग्राम में भी कुछ भी नहीं है। अगर आपको सीआरटी पता है तो सीआरटी का वर्किंग आप इन ब्रीफ में यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स अवेलेबल है, ओके। सो उसके बारे में आपको बस डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखना है, लाइक इन दिस वे, जस्ट नोट डाउन ऑल दिस पॉइंट्स, ओके फर्स्ट, और ये वन बाय वन ये पॉइंट डिस्कस करके आप ब्लॉक डायग्राम ऑफ योर सीआरओ वेरी इजीली एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। सो लेट स्टार्ट। ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीआरओ हमने क्या किया है, ये जो है 1, 2, 3, 4 एंड 5 पार्ट में डिवाइड कर दिए है, राइट। ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीआरओ वी हैव डिवाइडेड इनटू द 5 पार्ट। सो पहला पार्ट क्या है, डिस्प्ले डिवाइस ऑफ योर सीआरटी। सो पहला पार्ट होगा ये वाला, डिस्प्ले डिवाइस ऑफ योर सीआरटी, ओके। जस्ट 1 मिनट। सो पहला पार्ट क्या होगा हमारा, डिस्प्ले डिवाइस ऑफ योर सीआरटी। दिस वन इज योर फर्स्ट पार्ट, राइट। देन नेक्स्ट पार्ट क्या है, योर वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम। दिस वन इज नथिंग बट योर वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम, राइट। सेकेंड पार्ट ऑफ योर ब्लॉक डायग्राम ऑफ योर सीआरओ। देन थर्ड पार्ट इज नथिंग बट योर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम। दिस वन इज योर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम। ये जो 3 ब्लॉक है वो आपके थर्ड पार्ट में आने वाले हैं, 2 ब्लॉक जो है वो वर्टिकल सिस्टम में आने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट है योर सीआरटी, राइट। देन फाइनली क्या है, गेट एम्पलीफायर एंड योर ब्लैंकिंग सर्किट। यहाँ पे एक्चुअली गेट एम्पलीफायर एंड ब्लैंकिंग सर्किट नहीं आपको दिखा होगा, लेकिन ये जो ब्लॉक डायग्राम के अंडर है ना, ये गेट एम्पलीफायर और ब्लैंकिंग सर्किट भी मेजर रोल प्ले करेगा। सो इसके बारे में आपको लिखना है, ओके। सो दैट इज नथिंग बट योर फोर्थ पार्ट ऑफ योर सीआरओ। एंड फाइनली फिफ्थ पार्ट में हम देखने वाले हैं कि पावर सप्लाई, जो पावर हम सीआरटी को और अपने ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को अप्लाई करने वाले हैं, राइट। सो बाद में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली पावर की रेंज क्या होती है, राइट। सो वी हैव डिवाइडेड योर सीआरओ इनटू द 5 पार्ट्स। सो लेट अस स्टार्ट। पहला पार्ट इज योर सीआरटी। सो सीआरटी अभी मैं डिस्कस करने नहीं वाली हूँ कि एग्जैक्टली इसका वर्किंग कैसा है, क्या है। सो प्रीवियसली हमने देखा है कि सीआरटी का वर्किंग कैसा है और आपको फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर आपको आउटपुट कैसे मिलेगा, आपकी वेवफॉर्म, राइट। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम योर वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम, सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट में अगेन वी हैव 3 सब डिविजन्स और 3 सब पार्ट्स, राइट। सो फर्स्ट पार्ट क्या है, इनपुट अटेन्यूएटर, वर्टिकल एम्पलीफायर एंड डिले लाइन सर्किट। सो इनपुट अटेन्यूएटर क्या होगा कि जो आपका इनपुट सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ अगर सफिशिएंट नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एम्पलीफाई करना पड़ेगा, ओके। जो भी इनपुट सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करना पड़ेगा, उसका जो नॉइज है वो रिमूव करना पड़ेगा, राइट। सो उसके लिए आ रहा है आपके इनपुट सिग्नल के बाद एम्पलीफिकेशन के लिए आपका वर्टिकल एम्पलीफायर, राइट। उसके बाद क्या है आपका डिले लाइन सर्किट। सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस नाउ डिले लाइन सर्किट। सो नाउ रिकॉल योर सीआरटी कंसेप्ट। सीआरटी में हमने क्या देखा है, यहाँ पे आपके हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट रहेंगे एंड योर वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट रहेंगे, राइट। वर्टिकल फर्स्ट एंड देन आफ्टर दैट योर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट। सो जैसे मैंने बोला है कि सिग्नल सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, आपका वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट के पास जाएगा, उसके बाद वो सिग्नल जाएंगे आपके हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट के पास, राइट। सो यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन मूव करने वाले हैं फ्रॉम वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट के पास। सो कुछ टाइम उनको लगेगा, राइट। कुछ टाइम वो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे फ्रॉम वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट टू योर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट। ट्रैवलिंग के लिए कुछ टाइम वो लगेगा, राइट। वो जो टाइम होता है वो होता है जनरली 60 to 80 नैनोसेकंड। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत सारी बार में भी पूछा गया है। ये जो टाइम होता है उसकी वैल्यू क्या है, 60 to 80 नैनोसेकंड्स। इसका टाइम जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रैवल करने वाले हैं फ्रॉम वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट टू हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट, ओके। सो ये जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक जाने वाला वो होता है 60 to 80 नैनोसेकंड। सो उसके ये जो ट्रैवलिंग है और ये जो टाइम है वो मे भी डिस्टॉर्शन क्रिएट कर सकता है। सो वो जो डिस्टॉर्शन है उसको कम करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिले लाइन सर्किट जो है वो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। यू कैन सी हियर डिले लाइन सर्किट वी हैव एडेड हियर, ओके। सो दैट इज यूज ऑफ योर डिले लाइन सर्किट इन सिंपल लैंग्वेज। देन नेक्स्ट वन इज नथिंग बट योर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट, ओके, सॉरी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम, ओके। सो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम इज अगेन डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट, दैट इज योर ट्रिगर सर्किट, टाइम बेस्ड जनरेटर एंड योर हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, राइट। सो टाइम बेस्ड जनरेटर और योर स्वीप जनरेटर क्या करेगा, यहाँ पे स्वीप वेवफॉर्म जो है वो जनरेट करेगा, ओके। ये जो है स्वीप वेवफॉर्म, दैट इज योर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग की कंसेप्ट है यहाँ पे, ओके। कैपेसिटर की चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग की कंसेप्ट है यहाँ पे। दिस इज नथिंग बट द चार्जिंग पीरियड, दिस इज नथिंग बट द डिस्चार्जिंग पीरियड। सो ये होता है, ये जो पार्ट है ये होता है नथिंग बट योर रिट्रेस पीरियड, ओके। ये होता है आपका रिट्रेस पीरियड, ओके, सो स्वीप जनरेटर क्या करता है यहाँ पे, और टाइम बेस जनरेटर क्या करेगा, या स्वीप वेवफॉर्म जो है वो जनरेट करेगा. ओके, देन आफ्टर दैट नेक्स्ट पार्ट इज नथिंग बट योर ट्रिगर और योर सिंक्रोनाइजेशन सर्किट. सो ट्रिगर सर्किट का बेसिकली यूज क्या है, सो आपके सीआरओ स्क्रीन के ऊपर जो वेवफॉर्म है, ओके जो भी आपकी आउटपुट वेवफॉर्म होगी, वॉट एवर मे बी साइन वेव, ट्रायंगुलर वेव, साइन सॉटूथ वेव, वॉट एवर मे बी द वेवफॉर्म यू आर गोइंग टू डिस्प्ले ऑन यूर सीआरओ डिस्प्ले स्क्रीन, वो जो वेवफॉर्म है ना वो बहुत तेज, बहुत स्पीड से जाएगी. ओके, अगर वो स्टेबल नहीं है, वो वेवफॉर्म अगर स्टेबल नहीं, कंटिन्यूसली वो भागती रहेगी. ओके, जस्ट कंटिन्यूसली वो भागती रहेगी, तो वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहेगा कि एम्पलीट्यूड कैसे मेजर करें, फिर टाइम कैसे मेजर करें, बिकॉज वेवफॉर्म स्टेबल नहीं है. एक जगह पे वो जो वेवफॉर्म है ठहर नहीं रही है, राइट. सो उसके लिए वो वेवफॉर्म को स्टेबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये ट्रिगर सर्किट जो है उसको ऐड करना पड़ेगा. वो आ रहा है आपके हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम के अंडर, राइट. देन आफ्टर दैट नेक्स्ट इज नथिंग बट योर हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर. सो जो भी सिग्नल है उसको आपको एम्पलीफाई करने पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ योर हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, राइट. सो ये है आपके वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम के सब पार्ट्स. ये जो 3-5 ब्लॉक्स यहाँ पे देख रहे हैं आप, वो आपको ऐड करने पड़ेंगे आपके सीआरओ ब्लॉक डायग्राम के अंडर. वेरी सिंपल, राइट. देन आफ्टर दैट एक और कंसेप्ट यहाँ पे आ रही है, दैट इज नथिंग बट योर गेट एम्पलीफायर एंड योर ब्लैंकिंग सर्किट. सो व्हाट इज दिस ब्लैंकिंग सर्किट, अभी जैसे मैंने बोला है कि ये जो स्वीप जनरेटर है वो सॉटूथ वेवफॉर्म जो है वो जनरेट करने वाला है. ओके, और इन ए सिंपल लैंग्वेज जस्ट कंसिडर कि आपकी जो वेवफॉर्म है ना, वो वेवफॉर्म लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट ऐसे ट्रैवल करने वाले है, राइट. लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट भी आ सकती है. सो वेवफॉर्म अगर राइट से लेफ्ट आ रही है तो वहाँ पे कुछ ट्रेसेस, मतलब आपको कुछ ट्रेसेस मिलेंगे. ओके, अगर वेवफॉर्म राइट टू लेफ्ट आ रही है तो आपको कुछ ट्रेसेस वहाँ पे मिल सकते हैं और वो आपके सीआरओ स्क्रीन के ऊपर दिख सकते हैं. लेकिन हमें वो ट्रेसेस चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं. अगर वो आपको ट्रेसेस दिखेंगे तो आपको वेवफॉर्म कौन सी है और वो डिस्टॉर्शन कौन सा है और वो जो ट्रेस हमें जो नहीं चाहिए वो क्या है, वो समझ में ही नहीं आएगा. ओके, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा. सो हमें क्या करना है, वो जो ट्रेसेस है उसको कम्प्लीटली डिलीट करना है, अवॉइड करना है, राइट. सो उसके ये ब्लैंकिंग सर्किट मेजर रोल प्ले करता है. ध्यान में रखो कि ब्लैंकिंग सर्किट का यूज क्या है, टू अवॉइड द ट्रेसेस ऑफ योर वेवफॉर्म एज योर वेवफॉर्म इज ट्रैवलिंग फ्रॉम राइट टू सपोज लेफ्ट साइड. सो दिस ब्लैंकिंग सर्किट इज गोइंग टू डिलीट द ट्रेसेस ऑफ योर वेवफॉर्म. सो जो ट्रेसेस वहाँ पे हमें मिलने वाले हैं सीआरओ स्क्रीन के ऊपर, उसको डिलीट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लैंकिंग सर्किट को यूज करना पड़ेगा, राइट. देन नेक्स्ट पार्ट इज नथिंग बट योर पावर सप्लाई. सो पावर सप्लाई में अगेन आपके पास दो पार्ट है, हाई वोल्टेज पावर सप्लाई एंड योर लो वोल्टेज पावर सप्लाई. तो लो वोल्टेज पावर सप्लाई जो होगा आपका, वो हम अप्लाई करने वाले हैं ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए. जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसको जाएगा आपका लो वोल्टेज पावर सप्लाई ऑफ योर सीआरओ, राइट. एंड हाई वोल्टेज सप्लाई में जनरली ये पूछा जाता है कि हाई वोल्टेज सप्लाई की रेंज क्या है. सो वैरी होती है 1000 टू 1500 वोल्ट, राइट. सो हाई वोल्टेज सप्लाई की ये रेंज होती है, राइट. सो योर पावर सप्लाई इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज. सो लो वोल्टेज हम कहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, टू योर ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स. जो स्मॉल सर्किट होंगे ऑब्वियसली वहाँ पे लो वोल्टेज लगेगा. और सीआरटी के लिए, सीआरटी को वर्क करने के लिए कौन सा सप्लाई लगेगा, आपको हाई वोल्टेज लगेगा. जैसे मैंने बोला कि अगर हाई वोल्टेज है तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, अगर लो वोल्टेज आपने अप्लाई किया तो लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रोड्यूस होंगे ऑन योर सीआरटी स्क्रीन फ्रॉम द बेस ऑफ योर सीआरटी, राइट. सो आई होप दिस सीआरओ डायग्राम विल बी क्लियर इन योर माइंड राइट नाउ, बिकॉज ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. राइट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ, जस्ट ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ योर सीआरओ एंड एक्सप्लेन. ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम, ड्रॉ द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर सीआरटी एंड एक्सप्लेन. ये बार बार पूछे जाने वाले सवाल है और वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. अगर आपको बस फंक्शन पता है कि एग्जैक्टली ये ब्लॉक का फंक्शन क्या है, देन आपको बस रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं है. आप बस इजीली लिख सकते हैं कि हाँ यस, यहाँ पे ट्रिगर सर्किट की ज़रूरत है बिकॉज अपनी जो वेवफॉर्म में भागने वाली है, सो उसको भगाना नहीं है आपको, बस उसको स्टेबल रखना है. अगर वो स्टेबल है तो ही आप उसकी मेजरमेंट ले सकते हैं कि एक्जैक्टली एम्पलीट्यूड क्या है, टाइम क्या है. सो उसके लिए आपको क्या करना है, बस ये ध्यान में रखना है कि हर एक ब्लॉक का यूज़ क्या है. बेसिकली सीआरटी तो आपको पता ही है, राइट. सो सीआरटी छोड़ के बस आपको ये 3-4 ब्लॉक से वो याद में रखने हैं, बस हो गया आपकी ब्लॉक डायग्राम ऑफ योर सीआरओ. ओके, सो लेट अस मूव अहेड नाउ. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड इज, नेक्स्ट पॉइंट इज नथिंग बट योर एप्लीकेशंस ऑफ योर सीआरओ. सो सीआरओ अभी कहाँ पे यूज़ होता है. सो मे बी आप कुछ लोगों को पता होगा, मे बी कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि सीआरओ का यूज़ क्या है. मे बी आपने ये कॉलेज में ही देखा होगा और कुछ लोगों ने कुछ और प्लेसेस में जैसे कि हॉस्पिटल में और मे बी रडार सिस्टम में देखे होंगे. अगर आपको आते हैं डे टू डे लाइफ में, अगर ये इंटरेक्ट देखा होगा और आपने ऑब्जर्व किया होगा तो ये आपको पता चलेगा कि सीआरओ आपने कहाँ कहाँ देखा है, राइट. सो सबसे पहले फर्स्ट एप्लीकेशन क्या आ रहा है सीआरओ का, वोल्टेज मेजरमेंट। जैसे मैंने बोला है कि अगर कोई वेवफॉर्म है आपके पास, ओके, आपके पास ये एक है एक्स एक्सिस, आपके पास ये है वाई एक्सिस, ओके, आपके पास सपोज ये है एक वेवफॉर्म, ओके, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है सपोज 2 होल्ट, यहाँ पे है -2 होल्ट। ऑब्वियसली अगर ऊपर है तो प्लस वैल्यू, नीचे अगर वेवफॉर्म की साइड है तो वो होगी माइनस, राइट। सो उसका पिक टू पिक वैल्यू क्या होगी फिर 2 + 2 4 होल्ट पिक टू पिक, ओके। ये वेवफॉर्म की वोल्टेज मेजरमेंट कैसे की हमने 2 होल्ट + 2 होल्ट दैट इज योर 4 होल्ट पिक टू पिक, राइट। सो हम ये कैसे कर रहे हैं with the help of this graph now which is in front of you, as as all of you are able to see here कि हमने क्या किया x and y axis draw किया, एक वेवफॉर्म ड्रॉ की, उसके जो रीडिंग्स है वो लिए, और मैंने जैसे बोला कि ये जो वेवफॉर्म है उसका एम्पलीट्यूड कैसा है। सो इन ए सिमिलर वे यू कैन ऑल्सो मेजर द टाइम, and if you wanted to suppose give the frequency of this particular waveform, and if you are knowing the time then formula is f = 1/t। अगर आपको टाइम पता है तो आप इजीली ये जो वेवफॉर्म है उसकी फ्रीक्वेंसी भी मुझे बोल सकते हैं, राइट। ये आप सबको पता है बिकॉज ग्राफ पेपर के ऊपर वेवफॉर्म्स कैसे ड्रॉ करनी है ये आपको सबको पता है। सो ये सेम कंसेप्ट आपको अप्लाई करनी है आपके CRO डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर, ओके। CRO डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर भी आपको ये वेवफॉर्म डिस्प्ले होगी। सो इन अ सिमिलर वे यू हैव टू मेजर कि एग्जैक्टली इसका पिक टू पिक एम्पलीट्यूड क्या है, उसका टाइम पीरियड क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, विद द हेल्प ऑफ द फ्रंट पैनल कंट्रोल ऑफ योर CRO। जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि बटन्स जो भी होंगे होल्ड पर डिवीजन, टाइम पर डिवीजन के वो जो बटन्स होंगे वो बटन्स के विद द हेल्प ऑफ दैट सेटिंग, जैसे कि मैंने बोला है कि यहाँ पे हमने अगर 2 होल्ट पिक टू पिक सेट किया है तो होल्ट पर डिवीजन का नॉब मल्टीप्लाइड बाय दिस पर्टिकुलर वैल्यू दैट इज नथिंग बट योर वोल्टेज मेजरमेंट, राइट। सो इन ए सिमिलर वे यू कैन जस्ट मेजर द करंट ऑल्सो, ओके। सो ओहम्स लॉ आपको सबको पता है, R = V/I। if you wanted to measure the current then R = V/R, right? So with the help of this Ohm's law also you can, if you are knowing the values of your voltage and your time and your frequency, then you can easily measure the current also, okay? So for voltage measurement, for current measurement, for frequency measurement also you can just use your CRO, right? Then next application is nothing but your examination of your waveform। Examination means जैसे मैंने अभी draw किया है, यहाँ पे मैंने sine wave draw की है, you can consider triangular wave also, you can consider sawtooth wave also। So whatever may be the output waveform is available on your CRO screen that you can just examine, right? Then next application is nothing but measurement of your phase and frequency। जैसे मैंने बोला है कि आपको अगर time पता है तो you can easily find out the frequency or your phase of your particular waveform, right? Then next application is nothing but your radar। So what is the radar? Radar is nothing but your radio detection system, okay? Radar is nothing but your radio detection system। मे बी आपको पता होगी, अगर नहीं पता है तो जस्ट अंडरस्टैंड कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट और मे बी एनी टारगेट डिटेक्ट करना है, जैसे कि सपोज शिप होगी या फिर कोई एयरक्राफ्ट होगा, तो उसका जो है लोकेशन आपको ट्रैक करना है कि एग्जैक्टली वो एरोप्लेन कहाँ पे है, उसका लोकेशन कहाँ पे है। सो इन दैट केस दिस रडार इज प्लेइंग द मेजर रोल। सो रडार के केस में भी CRO हम यूज़ कर रहे हैं। सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस, ओके, रिमेंबर दिस। देन नेक्स्ट एप्लीकेशन इज नथिंग बट इन द मेडिकल फील्ड। सो मेडिकल फील्ड में हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये CRO? मे बी आपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे लोगों ने, और मे बी मैं तो बोल रही हूँ कि हर एक बच्चों ने, मे बी हर एक बच्चे ने देखा होगा कि मेडिकल फील्ड में ये CRO का यूज़ क्या है। सो ECG होती है, EEG होती है, राइट। सो ECG और EEG का जो ग्राफ होता है, राइट, अगर पूरी एक स्ट्रेट लाइन है मतलब दैट इंसान इज डेड, okay? So we are saying that with the help of that CRO screen only, okay? So that is the use of this CRO in case of your medical field, right? Then final application is nothing but your Lissajous figure। So what is this Lissajous figure? ओके, ये भी आपको कभी कभी एग्जाम में आता है मे बी कि Lissajous फिगर में एंगल क्या है, ओके? अगर ये डायग्राम आपके सामने है और पूछा जाएगा कि θ = व्हाट, ओके, सो इन दैट केस यू शुड बी एबल टू गिव द आंसर। आपके वो टाइम को आपको ये थीटा के जो वैल्यूज़ है वो समझ में आनी चाहिए कि एग्जैक्टली अगर सर्कल है तो थीटा की वैल्यू क्या है, ओके? सो ये जो है इमेजेस, आपके जो सामने 3 इमेजेस है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक ओवल शेप है और एक सर्कल शेप है, राइट। ये जो 3 इमेजेस है ये आपको CRO स्क्रीन के डिस्प्ले स्क्रीन जो है उसके ऊपर मिलते हैं, ओके? अगर फेज शिफ्ट यहाँ पे, अगर फेज एंगल है, पाई मतलब आपका 180, राइट, 180 / 2 वैल्यू इज 90 डिग्री। अगर आपका फेज एंगल 90 डिग्री है तो इन दैट केस यू विल गेट दिस सर्कल ऑन यूर CRO स्क्रीन। अगर आपका फेज एंगल π/4 है देन इन दैट केस यू विल गेट दिस पर्टिकुलर शेप ऑन यूर CRO स्क्रीन। अगर आपका फेज एंगल 0 या फिर π है तो इन दैट केस you will get this straight line on your CRO display screen. So that is the use, or that is nothing but your Lissajous figure. Okay. So phase angle जो है आपका x and y axis का अगर यहाँ पे ऐसे मेंटेन हो रहा है तो ये जो फिगर है आपके सामने, ये तीनों फिगर आपको CRO डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर मिलेगी, उसको बोलते हैं Lissajous फिगर. ओके, सो दीज आर दी एप्लीकेशंस विच आर नाउ इन फ्रंट ऑफ यू. आई होप ये एप्लीकेशन आपको सबको समझ में आई हो. ओके, सो लेट अस मूव अहेड. नेक्स्ट एप्लीकेशन, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज नथिंग बट यूर फंक्शन जनरेटर. ओके, फंक्शन जनरेटर और डिजिटल मल्टीमीटर में कुछ भी नहीं है. CRO एटलीस्ट आपको CRT पहले समझने पड़ी, फिर उसके बाद आपको CRO का ब्लॉक डायग्राम समझने पड़ा, फिर उसके बाद आपको एप्लीकेशन देखने पड़े. लेकिन ये फंक्शन जनरेटर और योर डिजिटल मल्टीमीटर में तो कुछ भी नहीं है. उसमें बस आपको ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करनी है, दैट्स ऑल, एंड देन यू कैन जस्ट डिस्कस एग्जैक्टली ये फंक्शन जनरेटर और योर डिजिटल मल्टीमीटर क्या है एंड ऑल. ओके, सो फर्स्ट ये फंक्शन जनरेटर और CRO के बीच में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए, राइट. सो जैसे मैंने बोला कि CRO का यूज़ क्या है. CRO इज़ बेसिकली यूज फॉर जस्ट डिस्प्लेइंग द वेवफॉर्म्स. आउटपुट वेवफॉर्म जो होंगे वो आप CRO के डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, राइट. सो दैट इज द यूज ऑफ योर CRO, दैट इज योर कैथोड रे ऑसिलोस्कोप. देन फंक्शन जनरेटर क्या करेगा. फंक्शन जनरेटर इज बेसिकली यूज फॉर डिस्प्लेइंग साइन वेव, स्क्वायर वेव एंड यूर रेक्टेंगुलर वेव. What is the use of your function generator? For displaying the different waveforms, that is your sine wave, square wave and your rectangular wave. Okay, so यहाँ पे with the help of this function generator you can generate three waveforms, sine, square and your rectangular wave. So ये जो waveform है वो कैसे generate करने वाले हो आप, ये हम देखेंगे one by one. Okay, so next point, let us move to the next point. Next slide. Okay, so आपको ये सामने दो ब्लॉक डायग्राम दिख रही है यहाँ पे. Just read the theory here, okay? In my simple language, आपको मैं बताती हूँ कि पहले जो है ये थ्योरेटिकल ब्लॉक डायग्राम है फर्स्ट वाली, बट प्रैक्टिकली हम ये ब्लॉक डायग्राम कंसिडर करते हैं. सो आपको अभी फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कि अगर ये थ्योरेटिकल है तो ये क्यों ड्रॉ करनी है, फिर ये यही हम ड्रॉ करेंगे, दैट इज नथिंग बट योर प्रैक्टिकल ब्लॉक डायग्राम. लेकिन आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली अगर ये थ्योरेटिकल ब्लॉक डायग्राम में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, कुछ डिसएडवांटेजेस है, तो वो क्या है और कौन से रीजन है, उसकी वजह से हम ये ब्लॉक डायग्राम स्किप करके ये वाली ब्लॉक डायग्राम कंसिडर करने वाले हैं, राइट. सो यहाँ पे फर्स्ट वाली ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या है. फर्स्ट ब्लॉक इज नथिंग बट योर RC ऑसिलेटर जो आपको प्रोड्यूस कर रही है साइन वेव. ओके, RC ऑसिलेटर क्या करेगा, आपको साइन वेव प्रोड्यूस करेगा, साइन वेव एज आउटपुट देगा. ओके, देन नेक्स्ट में क्या होगा, स्मिथ ट्रिगर है. ओके, नेक्स्ट ब्लॉक इज नथिंग बट योर स्मिथ ट्रिगर. सो स्मिथ ट्रिगर का आउटपुट क्या होगा, आपका स्क्वायर वेव होगा. एंड फाइनली इंटीग्रेटर जो होगा वो देगा आपको स्क्वायर वेव. सो यहाँ पे आपको मे बी फिल इन द ब्लैंक्स में ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ योर इंटीग्रेटर सर्किट. सो याद में रखना कि इंटीग्रेटर का आउटपुट क्या रहेगा, ट्रायंगुलर वेव. ओके, याद में रखना हमेशा इंटीग्रेटर का आउटपुट क्या है, ट्रायंगुलर वेव. स्मिथ ट्रिगर और कन्वर्टर का आउटपुट क्या होगा, आपका स्क्वायर वेव. ओके, सो ये हमेशा ध्यान में रखना फिल इन द ब्लैंक्स में अगर आपको पूछा जाए तो. ओके, सो यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि कुछ डिसएडवांटेजेस है. सो डिसएडवांटेजेस क्या है, आप यहाँ पे पॉइंट नंबर फर्स्ट में देख सकते हो. लिमिटेड फ्रीक्वेंसी रेंज है, पुअर एम्प्लीफिकेशन स्टेबिलिटी है. ओके, देन पुअर फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी है. सो ड्यू टू ऑल दिस डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम प्रैक्टिकली हम ये ब्लॉक डायग्राम कंसिडर करते हैं. तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है. सो जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट ब्लॉक जो है थ्योरेटिकल जो डायग्राम है उसका जो आउटपुट है वो है साइन वेव, लेकिन यहाँ पे हम कंसिडर कौन से करने वाले हैं, पहले स्क्वायर वेव. सो स्क्वायर वेव एज अ बेस हम कंसिडर करने वाले हैं प्रैक्टिकल ब्लॉक डायग्राम में, राइट. सो ये जो है स्क्वायर वेव जनरेटर ये आपको देगा स्क्वायर वेव एज अ आउटपुट वेव फॉर्म. ओके, सो इसका जो आउटपुट है वो जो जा रहा है दो ब्लॉक्स को. फर्स्ट वाला ब्लॉक है आपको इंटीग्रेटर सर्किट एंड नेक्स्ट ब्लॉक इज नथिंग बट योर स्क्वायर वेव टू साइन वेव कन्वर्टर. सो ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि इंटीग्रेटर का आउटपुट हमेशा क्या आएगा, आपकी ट्रायंगुलर वेव. ओके, एंड योर स्क्वायर टू साइन कन्वर्टर करके क्या होगा, ये स्क्वायर वेव ऑब्वियसली यहाँ पे इनपुट है तो साइन क्या होगी, आपकी आउटपुट वेवफॉर्म होगी. ओके, सो फाइनली आपको तीन आउटपुट वेवफॉर्म मिल रही है थ्रू दिस ब्लॉक डायग्राम. फर्स्ट इज योर स्क्वायर वेव, देन विद द हेल्प ऑफ दिस इंटीग्रेटर, नेक्स्ट वन इज नथिंग बट योर ट्रायंगुलर वेव एंड थर्ड वेवफॉर्म इज नथिंग बट योर साइन वेव. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस स्विचेस S1 S2, ओके, यू कैन सिलेक्ट वॉट एवर मे बी दी वेवफॉर्म दैट यू वांट फॉर योर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और मे बी फॉर योर एनी एप्लीकेशन. ओके, सो फ्रॉम दिस टर्मिनल 1 and 2 यू विल गेट द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन जनरेटर. समझ में आया कि एग्जैक्टली फंक्शन जनरेटर का क्या है. सो फंक्शन जनरेटर इज बेसिकली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग योर थ्री वेवफॉर्म्स, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव एंड योर साइन वेव. इंटीग्रेटर सर्किट का आउटपुट क्या होगा, आपका ट्रायंगुलर वेव होगा. ओके, एंड प्रैक्टिकली कौन सा ब्लॉक डायग्राम हम यूज कर रहे हैं, ये वाली, उसका बेस क्या है, स्क्वायर वेव जनरेटर. सो स्क्वायर टू साइन कन्वर्ट करेगा और इंटीग्रेटर सर्किट जो है वो स्क्वायर टू ट्रायंगुलर वेव को कन्वर्ट करेगा और फाइनली यू विल गेट द एम्पलीफाइड वर्जन ऑफ योर generated waveform. So that is the use of your function generator block diagram. Okay, so अगर block diagram आपको exam में पूछे जाए तो you have to draw this particular diagram also and this one also. You can just discuss the disadvantages and due to this we are jumping to this second diagram you have to discuss, right? So let us move ahead now. Next slide हम देखते हैं. Okay, लास्ट स्लाइड ये हमारी डिजिटल मल्टीमीटर. जैसे मैंने बोला है कि फंक्शन जनरेटर एंड योर डिजिटल मल्टीमीटर इज़ वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, CRO एटलीस्ट आपको कुछ ब्लॉक्स याद में रखने हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स है, CRTA, लेकिन अभी आपको वो इजी लगने लगेगा. ये पूरा सेशन जो है आपने ध्यान से अगर सुना तो उसमें भी कुछ नहीं है, लेकिन ये डिजिटल मल्टीमीटर तो इट इज़ लाइक सिमिलर टू योर कैलकुलेटर. ओके, सो डिजिटल मल्टीमीटर इज़ कम्प्लीटली सिमिलर टू योर कैलकुलेटर. कैलकुलेटर जैसे हम ऑपरेट करते हैं, जैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन, इन अ सिमिलर वे यहाँ पे एक डिस्प्ले स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है. दैट इज नथिंग बट योर 7 सेगमेंट डिस्प्ले स्क्रीन ऑफ योर डिजिटल मल्टीमीटर. यहाँ पे डिजिटल आउटपुट मिल रहा है आपको. सो दैट इज वाई वी आर सेइंग दिस इज नथिंग बट योर डिजिटल मल्टीमीटर. ओके, सो यहाँ पे दिख रहा है आपको कुछ रेंजेस है. ओके, दिस इज योर डिजिटल मल्टीमीटर फ्रंट व्यू. ओके, सो यहाँ पे आपको मिल रहा है कुछ AC वोल्टेज. यहाँ पे दो साइंस है, AC साइन है, एक साइन AC है और एक साइन AC है. ओके, वोल्टेज के लिए अगर AC साइन है तो दिस इज नथिंग बट योर DC वोल्टेज. अगर AC साइन है दिस इज नथिंग बट योर AC वोल्टेज. सो विद द हेल्प ऑफ दिस डिजिटल मल्टीमीटर यू कैन मेजर द DC वोल्टेज, यू कैन मेजर द AC वोल्टेज ऑल्सो. ओके, सो एम्पलीट्यूड के लिए भी इन ए सिमिलर वे करंट के लिए भी आप यू कैन measure the AC current, you can also measure the DC current also. Here some ranges are available for your resistance. So with the help of this you can also measure the resistance of your resistor. Okay, so through this, with the help of this basically digital multimeter आप क्या कर सकते हो, आप DC voltage, AC voltage, DC current, AC current, then your resistance जो होता है रेजिस्टर का, वो सब मेजर कर सकते हैं. और कहाँ पे मेजर करेंगे हम, with the help of this particular digital display screen जो है 7 सेगमेंट. क्या होता है बेसिकली, ये होता है आपका 7 सेगमेंट. ओके, 7 सेगमेंट मतलब यहाँ पे है आपके ABCDEFG. ओके, ये जो है, ये जो आपको एक इमेज दिख रही है, सो ऑन दिस पर्टिकुलर इमेज यू कैन डिस्प्ले 0 to 9 नंबर्स. ओके, अगर मुझे 0 डिस्प्ले करना है तो मुझे इसको डिसेबल करना पड़ेगा. अगर मुझे 1 को डिस्प्ले करना है तो बस मुझे ये दो ही लाइन से B और C उसको हाई करना पड़ेगा. वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस 7 सेगमेंट डिस्प्ले स्क्रीन. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो डिजिटल मल्टीमीटर है वो है 7 सेगमेंट डिस्प्ले स्क्रीन के कंसेप्ट के ऊपर. ओके, उसका मतलब है आप 0 to 9 नंबर्स विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्प्ले कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स है, मतलब ये आपका यूनिट डिजिट है. ओके, देन आपका ये 10th वाला डिजिट है, देन आपका ये 100 पोजिशन वाला डिजिट है, देन आपका ये 1000 पोजिशन वाला डिजिट है. सो इन अ सिमिलर वे यू कैन जस्ट डिस्प्ले दी आउटपुट और यू विल गेट दी आउटपुट ऑफ योर मे बी करंट और मे बी वोल्टेज और मे बी रेजिस्टेंस, जो भी आपको आउटपुट डिस्प्ले करना है ऑन योर डिजिटल मल्टीमीटर, वो आपको यहाँ पे मिलेगा. यहाँ पे ADC की कंसेप्ट यूज़ होगी बेसिकली. ओके, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि अगर यहाँ पे डिजिटल मल्टीमीटर है, डिजिटल आउटपुट मिलने वाला है, लेकिन आप तो इनपुट में मे बी एनालॉग इनपुट और एनालॉग जो भी रीडिंग्स है वो लेने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डिजिटल मल्टीमीटर, देन हाउ यू विल गेट द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर how you will get the digital output on this particular digital multimeter. So basically यहाँ पे ADC की concept use होती है. So what is ADC? Basically for understanding your ADC or all this concept of your digital multimeter, you have to understand this particular block diagram of your digital multimeter, जो बहुत बहुत easy है. ओके, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज. सो यहाँ पे क्या है, टेस्ट प्रोब्स. टेस्ट प्रोब मतलब क्या है, दिस 2 प्रोब्स. यहाँ पे एक रेड वाली प्रोब आपको दिखाई दे रही है और सेकंड वाली है ब्लैक वाली प्रोब. सो ब्लैक इज नथिंग बट योर ग्राउंड प्रोब. ओके, सो दिस 2 प्रोब्स आर नथिंग बट दिस 2 टर्मिनल्स. ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, DC वोल्टेज का एक नॉब है, यह है आपका सिलेक्टर स्विच. ओके, और मे बी सिलेक्टर पॉइंट. देन नेक्स्ट इज नथिंग बट योर AC वोल्टेज, सिलेक्टर पॉइंट नंबर सेकंड. देन यहाँ आपका DC मिली एम्पियर, दैट इज नथिंग बट योर DC करंट. ओके, सिलेक्टर पॉइंट थर्ड. देन यहाँ पे लिखा है ओहम. ओहम मतलब आपका रेजिस्टेंस, राइट. दिस इज नथिंग बट योर सिलेक्टर पॉइंट 4. सो इसको बताने से पहले मैंने सबसे पहले यहाँ पे जंप किया था कि ये जो डिस्प्ले स्क्रीन है, ये जो डिस्प्ले है आपका फ्रंट पैनल है आपका डिजिटल मल्टीमीटर का, उसके ऊपर एक नॉब दिख रहा है आपका. ओके, बस इसको फिराया ना आपने जोर जोर से, तो आपको सीधा सीधा ये वोल्टेज या फिर AC वोल्टेज मेजर करना है, या फिर DC वोल्टेज मेजर करना है, या फिर AC करंट मेजर करना है, DC करंट मेजर करना है, या फिर आपको रेजिस्टर का रेजिस्टेंस मेजर करना है. उसके लिए बस आपको ये नॉब घुमाना है. ओके, ये नॉब आपको जहाँ पे रखेंगे उसके हिसाब से आपको रीडिंग मिलने वाली है. सो यहाँ पे बस उन्होंने ये जो है, जो मैंने यहाँ पे बताया, वो बस यहाँ पे ब्लॉक में मेंशन किया है, राइट. सो सिलेक्टर S1, S2, S3, S4 मतलब क्या है, DC वोल्टेज, AC वोल्टेज, DC करंट, ओहम मतलब आपका रेजिस्टेंस, राइट। सो यहाँ पे कौन से ब्लॉक है फिर, DC वोल्टेज अटेन्यूएटर, रेक्टिफायर एंड अटेन्यूएटर, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, रेजिस्टेंस टू वोल्टेज कन्वर्टर। सो आप जो भी सिलेक्ट करने वाले हो रेंज, जो भी आपको मेजर करना है, बस वो नॉब को वहाँ पे रखना है। उसके बाद क्या होने वाला है, जो भी एनालॉग रीडिंग्स होंगी, जो भी आप एनालॉग रीडिंग्स लेने वाले हो उसको आपको सबसे पहले डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑन योर डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल फॉर्म में आपको आउटपुट मिलने वाला है, सो उसके लिए सबसे पहले आपको एनालॉग रीडिंग को डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दिस ADC, दैट इज योर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस ADC फाइनल आउटपुट यहाँ पे जो भी आएगा वो कम्प्लीटली डिजिटल फॉर्म में होगा, जो भी आउटपुट होगा वो कम्प्लीटली डिजिटल फॉर्म में होगा। सो फाइनली यहाँ पे दो कंसेप्ट आपके सामने है, राइट। फर्स्ट वन इज नथिंग बट योर काउंटर सर्किट, एंड यहाँ पे कुछ डिजिट आपको डिस्प्ले हो रहा है, दैट इज नथिंग बट योर डिस्प्ले, डिजिटल डिस्प्ले। जैसे मैंने बोला कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले है ये, ओके, यहाँ पे 4 zeros अगर मैंने डिस्प्ले किया, सो दैट इज नथिंग बट योर डिजिटल डिस्प्ले। लेकिन उसके पहले क्या आ रहा है यहाँ पे, काउंटर सर्किट। सो काउंटर सर्किट क्या है, जैसे मैंने बोला कि विद द हेल्प ऑफ दिस 7 सेगमेंट डिस्प्ले यू कैन डिस्प्ले द नंबर 0 to 9, ओके, 0 to 9 नंबर यू कैन डिस्प्ले फॉर दिस पर्टिकुलर सिंगल डिजिट। ओके, यहाँ पे भी आप 0 to 9 डिस्प्ले कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप 0 to 9 डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, यूनिट डिजिट है, अगर आपको 100 नंबर आपका आंसर है सपोज, और आपकी रीडिंग है अगर 100, ओके, तो यहाँ पे कैसे डिस्प्ले होगी फिर, यूनिट डिजिट पे यहाँ पे 0 आएगा, देन यूर 10th डिजिट पे अगेन 0 आएगा, एंड देन 1000 डिजिट जो होगा आपका वहाँ पे 1 डिस्प्ले होगा, राइट। सो ऑटोमेटिकली वो आप अपनी अपनी लोकेशन डिसाइड कर लेगा, जैसे कि यूनिट डिजिट पे 0 आना चाहिए, 10th लोकेशन पे आपका 0 आना चाहिए, देन 100 वाला जो पोजीशन है उसके पास 1 आना चाहिए, राइट। देन ऑटोमेटिकली यू विल गेट दी रीडिंग एज 100 ऑन योर डिजिटल मल्टीमीटर। सो दैट इज द यूज ऑफ योर काउंटर सर्किट। सो डिजिटल मल्टीमीटर में कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, बस आपको एक नॉब से एक रेंज सिलेक्ट करनी है कि एक्जैक्टली आपको क्या मेजर करना है, AC वोल्टेज, DC करंट, और मे बी AC करंट, और मे बी DC करंट, और मे बी योर रजिस्टर, एंड देन फाइनली यू हैव टू कन्वर्ट द रीडिंग इनटू द digital form, then with the help of your counter circuit you can display the readings on your display screen of your digital multimeter. So I hope आपको ये सब इंस्ट्रूमेंट समझ में आई हो, जो कि बहुत बहुत ईजी है। दैट इज़ नथिंग बट योर chapter number 1, दैट इज़ योर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। सो मेरी तरफ से मैंने सब कुछ बता दिया है। सो एग्जाम में क्या क्या आता है फिर, CRO का ब्लॉक डायग्राम, CRT की कंस्ट्रक्शन डायग्राम, देन योर फंक्शन जनरेटर की ब्लॉक डायग्राम, देन योर डिजिटल मल्टीमीटर की ब्लॉक डायग्राम। सो यू कैन ऑल्सो गो थ्रू योर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स ऑल्सो। ओके, सो दीज आर दी सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या पूछा जाता है जो मैंने बीच बीच में आपको बोला है, वीडियो के बीच बीच में, राइट। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस कंप्लीट वीडियो। ओके, सो थैंक यू ऑल।